हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास टेंथ का, जिसका नाम है फेडरिज्म। और फेडरिज्म में जो सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है, इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बनता है। यानी आपको मैंने बताया कि कैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी काम करता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, और उसके साथ कई सारे स्टेट्स हैं जो मिलकर देश में कानून बनाते हैं, देश को फेडरिज्म बनाते हैं। तो इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे भारत एक फेडरिज्म कंट्री बना है, कैसे भारत में फेडरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इट्स पार्टीशन। आपको पता है कि देश जब आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद यानी 1947 में जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड जस्ट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इट ऑल्सो वॉज पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। उस समय देश की हालत क्या थी, उसे ब्लडी पार्टीशन कहा जाता है। बहुत से लोग मारे गए, लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत में खदेड़ दिए गए, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा हुई, इसे ब्लडी पार्टीशन भी कहा जाता है। तो देश के जस्ट आज़ाद होने के बाद से भारत को डेमोक्रेटिक आधार पर चलाना था, भारत को फेडरेशन देना था, यानी भारत को फेडरिज्म देना था, जो आसान नहीं था। यानी भारत के जो संविधान लेखक थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, जिन्होंने संविधान के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने कितना मेहनत किया भारतीय संविधान को का निर्माण करने में, और भारत को फेडरिज्म, फेडरल गवर्नमेंट का रूप देने में उनका जो मेहनत था वो रियली में सराहनीय है, जो आज हम लोग के लिए अच्छा प्रूफ होता है, गुड प्रूफ होता है। तो जो दूसरा जो टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान में टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में वर्णन किया गया है, मेंशन किया गया है। हमारे संविधान में दो तरह की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। यानी भारत कैसे फेडरिज्म बन जाता है, कैसे फेडरल गवर्नमेंट बन जाता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी भारत में टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट्स। तो ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, जो दोनों गवर्नमेंट एक साथ एक ही लोगों पर शासन करते हैं, उसी से हमारा देश फेडरल बन जाता है, यानी फेडरिज्म हमारे देश में प्रैक्टिस होता है। एक और बात बता दें आपको, भारतीय संविधान में फेडरिज्म वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया, इसके बावजूद भी फेडरिज्म जो सिस्टम है उसके आधार पर भारत की जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट है उसको फॉलो किया जाता है, उसका प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों अलग अलग ढंग से देश में शासन करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देश के लिए कानून बनाता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी देश के लिए कानून बनाता है। ये दोनों गवर्नमेंट्स, दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर अपने भारत को फेडरिज्म बनाते हैं, फेडरेशन देते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूप देते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है लेटर इंक्लूड्स अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसपालिटीज इन टाउन्स। आपको बता दें कि पहले टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट था, और देश को अच्छे से यानी सुचारू ढंग से चलाने के लिए, देश के लोगों की समस्याओं को बिल्कुल बारीकी से जानने के लिए थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट्स की भी व्यवस्था की गई। जिस थर्ड टीयर यानी कि लोकल गवर्नमेंट, उस लोकल गवर्नमेंट में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक म्यूनिसपालिटीज जो शहरों में होती हैं, जिसका चुनाव होता है हर 5 साल के बाद भी म्यूनिसपालिटी का चुनाव होता है, आपको पता होगा, और गाँव में जो प्रधानी का चुनाव होता है, जो प्रधान का चुनाव होता है, हेडमैन ऑफ द विलेज, वो भी 5 साल के बाद होता है, वो गाँव के पंचायत हो गया। और इस तरह से जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट था वो लोकल गवर्नमेंट यानी शहरों में म्यूनिसपालिटीज और गांव में पंचायत। उसके बाद से और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी कानून बनाने का अधिकार तीन रूपों में संविधान में लिख दिया गया। जब संविधान लेखकों ने संविधान लिखा, तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन उसमें वर्णन की जो मेंशन किया, उसमें से जो कानून बनाने का अधिकार था, लेजिस्लेटिव जो तरीका था, लेजिस्लेटिव जो ढांचा था, जिसके आधार पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो दिए जा रहे थे, वो किसी विशेष लिस्ट को दिए जा रहे थे,
यानी वो शुरू में ही संविधान में इसको वर्णन कर दिया गया था कि ये पावर्स किनके किनके हाथ में दिया जाएगा। तो ये अलग अलग लिस्ट है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो पहला लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट जिस जो हासिल जो धारण करता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ विशेष अधिकार हैं, कुछ विशेष सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। उस सब्जेक्ट्स में बता दें आपको पहले 97 सब्जेक्ट्स थे। पहले जब भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट को दिए गए थे जिसमें कानून बनाने का अधिकार यूनियन लिस्ट को था। लेकिन बाद में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद से अभी अभी जो वर्तमान समय में संविधान में जो लिस्ट है वह है 100 यानी 100 सब्जेक्ट्स 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यूनियन लिस्ट को जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट को ही है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकते। यानी बता दिया आपको पहले 96 सब्जेक्ट्स थे यूनियन गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट में और अभी जो है वो 100 लिस्ट है जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट को है। दूसरा है वो स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। आखिर हमारा देश फेडरल कैसे बनता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पास एक स्पेशल पावर है यानी 100 सब्जेक्ट्स पर अकेले यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकता है। वैसे ही कुछ अलग पावर्स लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी ताकतवर बन जाता है, पावरफुल बन जाता है और इसी की वजह से फेडरिज्म भारत में काम करता है, भारत में चलाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो जैसे पहले स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बाद में संशोधन करके इसमें 61 सॉरी इसमें और रिड्यूस कर दिया गया, इसी पावर को और रिड्यूस कर दिया गया यानी जरूरत के हिसाब से इसमें 61 सब्जेक्ट्स ही दिए गए हैं। तो आज वर्तमान समय में स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है यानी स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा। वो उन जिस पर जो 61 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए जिस पर कानून बनाने का अधिकार यानी 61 सब्जेक्ट्स पर जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या यूनियन गवर्नमेंट का है। तो अब जैसे मैंने आपको बताना भूल गया कि जैसे यूनियन लिस्ट है इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट को वो है स्पेशल फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन अफेयर्स पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। बैंकिंग हो गया, आर्मीज हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आर्मीज कम्युनिकेशन या करेंसी इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट को है। आपने देखा होगा कि जो करेंसी छपती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथराइज होती है, न कि हर स्टेट का अलग अलग करेंसी होता है, ठीक है ना। अब जैसे स्टेट लिस्ट हो गया इसमें 61 सब्जेक्ट है, उसमें पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। यानी स्टेट गवर्नमेंट जिस पर कानून बनाएगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो तीसरा जो लेजिस्लेटिव पावर है जिसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो है कंकरेंट लिस्ट। एक और लिस्ट शामिल किया गया भारतीय संविधान में जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट और इस लिस्ट में दोनों को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इस यानी इस लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट जो कंकरेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें जो सब्जेक्ट्स है उसमें जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों का है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन बाय चांस अगर समझिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बनाया और दोनों में विवाद हो गया तो फिर क्या होगा। तो चूंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि स्पेशल पावर है, फेडरेशन होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल पावर है, इसलिए अगर विवाद होता है दोनों एक ही सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं और दोनों में विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसी को मान्यता मिलेगी। आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसको उसकी मान्यता मिलेगी तुलना में स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद आप जैसे मान लीजिए ये तीनों जो लिस्ट हो गए इसके अलावा भी एक और लिस्ट आता है जिसका नाम है
रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स इसके बारे में बता दे। ये जब संविधान लिखा गया, जब संविधान लिखा गया था और जो तीनों लिस्ट, जब तीनों लिस्टों के बारे में जो वर्णन किया गया था, उसमें जो मेंशन किया गया, उस समय जो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, ध्यान समझिएगा आप लोग, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया, यानी जो तीनों लिस्ट में जो कानून है उससे अलग जो कानून है जो संविधान लिखने के बाद आया। इसलिए कि समय बदलता है, समय बदलने के साथ 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 नए नए नियम, जो नए नए लॉज और रेगुलेशन सामने आते हैं, नए नए जैसे जैसे हालात बदलता है देश का, वैसे वैसे नए कानूनों की भी जरूरत पड़ती है, नए नए लॉज की जरूरत पड़ती है। तो जब संविधान लिखा गया और संविधान में जब लिखा गया था उसमें मात्र 3 ही लिस्ट के बारे में लिखा गया, तो बाद में जो नया संविधान बनाया जाने लगा, वो जो संविधान लिखने के बाद आया वो था रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, यानी जो तीनों लिस्ट में नहीं है, और जो संविधान लिखने के बाद जो आया, जैसे इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या ट्रेड, ट्रेड भी कुछ मामलों में इस सब्जेक्ट में आता है, तो इन सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, जो संविधान लिखने के बाद आया और जो तीनों लिस्ट में नहीं पाया जाता। उसके बाद से इसमें पार्लियामेंट का जो रोल है वो भी अच्छा है, पार्लियामेंट का जो रोल है वो, पार्लियामेंट ही अगर दोनों के कानून को बदलना हो, दोनों के कानून को अगर चेंज करना हो, तो वो पार्लियामेंट ही है जो दोनों के कानून को बदल सकता है। इसमें 2/3, दोनों हाउसेस के 2/3 पॉपुलेशन का जो मेजोरिटी होगी उसके आधार पर जिस कानून के पक्ष में होंगे वो कानून को मान्यता मिल जाएगी। कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ऐसे ही कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर अपना विशेष कानून है, जहां के लिए स्पेशल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो इसके लिए किस विशेष रूल की जरूरत होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें शासन करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता। पहले इसमें इसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी का भी रोल है, इसमें जुडिशरी का विशेष रोल है कि जुडिशरी कैसे भारत को फेडरल बनाता है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग जुडिशरी है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग जुडिशरी है, और उसके साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट हो गया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कोर्ट मिलकर पूरे देश में काम करते हैं। अगर एक कोर्ट में संतुष्टि नहीं मिलती तो वो जो आदमी जो भी है वो दूसरे कोर्ट में जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकता है, यानी इस तरह से देखा जाए तो इसमें भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी जुडिशरी के मामले में, जुडिशरी से संबंधित जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी भारत जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। तो ये था, ये जो हमारा नेक्स्ट इंडिया फेडरल कंट्री, ये सेकेंड पार्ट था फेडरलिज्म चैप्टर का। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।